हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है अकाउंट का, जो सैलरी है या कोई खर्चा है उसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट है उसको किस तरह से हैंडल करना है वही इसमें बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सब कुछ बता रखा है भाई, सोनी क्लब है, इसके अंदर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सैलरी के रिगार्डिंग आपको तैयार करना है 2010 का, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ साथ आपको शो करना है बैलेंस शीट 2009 की 10 की, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सैलरी हमें दिखा रखी है 2008 9 की 9 10 की 10 11 की अलग अलग, ठीक है। उसके बाद हमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है वो भी देखिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सैलरी जो है 2009 की 50,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, एंड वाली सैलरी आउटस्टैंडिंग 90,000 रुपये है, रिसीव एडवांस या पेड इन एडवांस सैलरी है जो 2009 मतलब बिगनिंग की वो 20,000 रुपये है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन है और हमें ये तीनों चीज़ बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैसे करना है वो आपको बता दें, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये भी बताया था कि भाई जो आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंसेस होगा, बिगनिंग वाला लेस होगा, एंड वाला ऐड होगा, और लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग को, क्योंकि खर्चा है, एनपीओ वाला केस से ध्यान रखना। प्रीपेड एक्सपेंसेस या रिसीव एडवांस की बजाय यहाँ पेड इन एडवांस आएगा, ठीक है भाई। पेड इन एडवांस हो तो आप बिगनिंग वाला प्लस करेंगे और एंड वाला माइनस करेंगे, और ये एसेट साइड में आएगा ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये बॉक्स मैंने पहले ही बताया लास्ट वीडियो में, अब फिर आपको दोबारा बता दिया है, तो अब इस क्वेश्चन को करने में भी आसानी रहेगी। इस क्वेश्चन को मैंने कोई पेज पे उतार लिया है, वहाँ से आपको आसानी रहेगी देखने में। सुनिए ये देखिए क्वेश्चन, तो हमारी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो 2010 का तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सैलरी है जो आपकी, इस तरह की डेट पहले मैंने सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक में बताई है, अगर इस तरह तीन अलग अलग डेट आ जाएँ तो जो शुरू की डेट होती है वो हमारा आउटस्टैंडिंग होगा, ध्यान रखना सैलरी है तो अब सैलरी बोलेंगे इसको, वो भी बिगनिंग की, शुरू की मतलब, ठीक है। और जो बीच में टॉपिक बीच में केस होगा वो सैलरी पेड है, मतलब वो करंट ईयर की सैलरी है। अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में लिख के शुरू करेंगे, और जो लास्ट में लिखा होती है डेट उसको बोलते हैं रिसीव इन एडवांस। अब खर्चा है तो पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस वो भी एंड का। ये कुछ बातें हैं जो पहले बताई गई हैं सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में, दोबारा फिर आ गई हैं, तो दोबारा भी इसका काम ऐसे ही करना, कोई डिफरेंट नहीं है। तो अब क्वेश्चन जो शुरू करेंगे हम ये लिख के शुरू करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे, और ये नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है हमें उसका भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2009 की, 31 मार्च 2009 हो या 2008-09 हो तो एक ही बात है। तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहती है 50,000 रुपये है सैलरी शुरू की, ठीक है भाई। और यहाँ पे कहती है सैलरी हमें सिर्फ रिसीव कितने, पेड कितनी हो चुकी है सैलरी 40,000 रुपये, तो मिलने कितने थे 50,000 रुपये, मिले कितने सिर्फ 40,000 रुपये, लेने कितने बाकी हैं अभी 10,000 रुपये, तो ये ध्यान रखेंगे आप, अभी 10,000 और लेने बाकी हैं। फिर यहाँ पर जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है एंड की, मतलब वो 90,000 रुपये है, डोंट वरी, इसको एंड वाली सैलरी हमें पता होना चाहिए क्या करना है। और ये रिसीव एडवांस एंड का है, और यहाँ जो पेड इन एडवांस यहाँ सैलरी जो है वो दो एंड की नहीं है, ये बिगनिंग की है 20,000, जो जहाँ जाएगा वहाँ पे आप पूछाएंगे इसको, ठीक है। तो अब आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपने बना दिया, ठीक है। जहाँ पे बनाने के बाद जो एक्सपेंसेस साइड है, डेबिट साइड है, उस साइड आप स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले लिखेंगे आप टू सैलरी आपकी दे रखी है 5,56,000। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने आपको बता रखा है भाई, बिगनिंग वाली आउटस्टैंडिंग जो है एंड बिगनिंग की है जो वो लेस होती है, लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 2009। तो यहाँ पे ध्यान रखिए 50,000 रुपये है भाई ये, पर आ कितने गए पहले से ही 40,000, तो 10,000 बाकी है, तो 10,000 ही शो करेंगे यहाँ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 10,000 की एंट्री बनाएंगे, उसके बाद एंड की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 2010, वो आपको दे रखिए 90,000 रुपीज़, तो 90,000 रुपीज़ आप यहाँ शो कर देंगे।
उसके बाद एडजस्टमेंट पेड इन एडवांस है बिगिनिंग का, तो बिगिनिंग का पेड इन एडवांस ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड पेड इन एडवांस सैलरी 2009 का, ठीक है, ऑन 2009, वो हमारे पास है 20,000। तो इस तरह से आपने सारा एडजस्टमेंट कर लिया है। अब इसको प्लस माइनस कर देंगे आप, 5,60, 1,10,550, 5,50 यह आ गया आपका 660। टोटल आपका यहाँ पे 100 अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, डेट्स ऑल। फिर आप बैलेंस शीटों में बनाएंगे एडजस्टमेंट को, बैलेंस शीट में कैसे कैसे शो करेंगे, ओपनिंग में कब और कैसे और क्लोजिंग में कैसे, सुनिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बनाएंगे जहाँ पे ये हमने लिखना है बैलेंस शीट, ओपनिंग वाली बना रहे हैं पहले, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2009, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 और 10 की बात हो रही है ना, तो ये बैलेंस शीट हमने 9 की तैयार कर ली, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और बना देते हैं अगली बैलेंस शीट भी, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2010। तो इस तरह से दोनों बैलेंस शीटों, क्योंकि एक एक लाइन की एडजस्टमेंट ही शो करनी है बस हमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट का उठाएंगे यहाँ से अमाउंट, आउटस्टैंडिंग जो 2009 का है वो 50,000 रुपये है, ठीक है, 2009 का जो आउटस्टैंडिंग है वो 50,000 रुपये है। आउटस्टैंडिंग एक सैलरी का एक खर्चा, इसलिए लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 50,000, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का 9,000 रुपये ये भी है, तो यहाँ लिखेंगे, नहीं पेड इन एडवांस है बिगिनिंग का 2009, पेड इन एडवांस को प्रीपेड ही बोलते हैं, ध्यान रखना। तो प्रीपेड सैलरी बोल सकते हैं और पेड इन एडवांस सैलरी बोल सकते हो, तो जैसे आपको अच्छा लगे सैलरी पेड इन एडवांस लिख सकते हैं 20,000 रुपीज़, ठीक है। ये तो हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखिएगा, यहाँ पे तो पेड इन एडवांस सैलरी दे नहीं रखा है एंड का, तो यहाँ दे रखा है 36,000 रुपीज़। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सैलरी क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में पेड इन एडवांस 36,000, और यहाँ पे लिखेंगे आप आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है 90,000 रुपीज़ की एंड की। तो बैलेंस शीट में आप 90,000 तो शो करेंगे, बट इसको शो करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, 2008-09 में क्या था और 2009-10 में कितना था वो ध्यान रखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपकी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 9 में 50,000 रुपये आने हैं और आए आपके 2009 में 40,000, तो 10,000 रुपये तो वो बाकी हैं, और वह सैलरी के आपके जो हैं वो 90,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो कैसे करना है कि 10,000 तो आपका वो बकाया है, 80,000 एंड के माने जाएंगे और टोटल 90,000 आप यहाँ शो करेंगे, ठीक है। इस तरह इसको करना था, और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता आपका। अब सैलरी से लगता हुआ एक क्वेश्चन और उठा लिया मैंने, ठीक है, सैलरी के एडजस्टमेंट से लगता हुआ ही है, बट इसको बताने के साथ साथ मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर दूँ ये बॉक्स कि आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंसेस होगा, बिगिनिंग का वो लेस होगा, एंड का ऐड होगा, रिसीव इन एडवांस सॉरी पेड इन एडवांस एक्सपेंसेस कोई भी होगा, या इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, शुरू वाला ऐड होगा और एंड वाला लेस होगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो लायबिलिटी साइड में जाएंगे, शुरू का शुरू वाला, एंड का एंड वाली में, और पेड इन एडवांस या प्रीपेड होगा वो असेट्स होंगे, वो शुरू का शुरू वाली बैलेंस शीट में जाएगा, एंड का एंड वाली बैलेंस शीट में जाएगा। पर अगर एक्सपेंसेस देंगे या सब्सक्रिप्शन या कोई इनकम होती तो ये अपोजिट हो जाती, असेट्स उधर जा जाता, लायबिलिटी नीचे आ जाती। बाकी अब क्वेश्चन जारी है आपका, क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ मैं क्या कहता है इस क्वेश्चन में। वो कहता है कि इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द सपोर्ट क्लब फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2015 द अमाउंट ऑफ सैलरीज सो इन द पेमेंट साइड 24,000, ठीक है ना, पेमेंट साइड में 24,000 रुपये सो रहे हैं। तो जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में 24,000 लिखेंगे, सैलरी पेड इंक्लूड 1600, इंक्लूड है तो उसको लेस करना है, ध्यान रखना, जो मिला हुआ तो लेस होएगा 2014। तो आप यहाँ से ध्यान रखें कि ये 15 है, यहाँ पे 14 आ गया, तो बिगिनिंग का है और लेस हो रहा है, तो बिगिनिंग का लेस होता है उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2400 जो है वो 16 का है, अरे भैया अकाउंट तो आपके आपके 15 में ही बंद हो रहे हैं, तो 16 का मतलब क्या है, तो एडवांस हो गया ना, तो पेड इन एडवांस वो भी एंड का, ठीक है, एंड का है तो क्या होगा,
लेस होगा। आगे कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी है 15 की, तो 15 तो है ही, ये करंट ईयर का मतलब आउटस्टैंडिंग एंड का बोलेंगे इसको, 32, तो आउटस्टैंडिंग एंड का ऐड होगा। तो ये मैंने आपको पढ़ के इसलिए बता दिया कि अब आपको पता लग गया किसको ऐड करूँ किसको लेस करूँ, इस बात का ध्यान रखेंगे। आ रहा है पहले 2017 में सेट डी में, ये कहता है सो द रिलेवेंट डाटा ऑफ सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करो, 31 दिसंबर 2015 की बैलेंस शीट में भी इसको शो करें, ठीक है। तो डोंट वरी, कैसे शो करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप बनाएंगे आप यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे आप फटाफट इसको एक साइड ही बना लो, उधर जाने की जरूरत भी नहीं आपको, क्योंकि यहीं करना है आपको। यहाँ लिखेंगे टू सैलरी, सैलरी है 24,000 रुपीज़, तो यहाँ लिखेंगे 24,000। अब मैंने आपको बताया कैसे कैसे क्या करना है कि ये 1600 है जो 14 का है, शुरू का आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे इसको लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 2014, ठीक है। कितना है भाई 1600, तो ये 1600 लेस हो गया, कर देंगे एक साथ ही करेंगे सबको। आगे वो 2400 है जो वो 2016 का बैलेंस है, तो 2016 का मतलब क्या है एंड का एडवांस है ये, तो पेड इन एडवांस है तो लेस करेंगे, या लिखेंगे सैलरी पेड इन एडवांस 2016 या 15 16 ऐसे बोल सकते हैं 2400, तो आ गए। उसके बाद फिर वो कहता है कि जो 15 की आउटस्टैंडिंग है वो 32 है, तो एंड की आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, ये रहा देखो, तो यहाँ लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2015, वो आपका है 32, तो यहाँ आ जाएगा 3200, ठीक है, और इसको टोटल करके यहाँ लिख देंगे, और आपका बैलेंस आपका जो बचेगा वो मेरे हिसाब से आएगा, इसमें से इसको एड लेस भी करना ऐड भी करना है, 3 - 4 तो 23,200 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए आप, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही में बना के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 15 का आपको रिकॉर्ड दे रखा है ना, ये आपका है 15 का, तो 14 और 15 दो बैलेंस शीट बनेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऐसे बैलेंस शीट, ठीक है, और यहाँ पे एक एक लाइन का ही काम है बस। तो असेट्स लाइबिलिटी असेट्स अमाउंट वगैरह आप अपने आप लिख लेना, तो देखो कैसे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग, या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1600, ठीक है, और शुरू का है कुछ, और शुरू का है नहीं, बस ख़त्म, ये इतना ही बनाना है यहाँ पर, ठीक है। अब बैलेंस शीट ये तो है भाई एज एट 15 वाली, ठीक है, मार्च 2015, और ये है एज एट, देख लो मार्च या दिसंबर है भाई, ठीक है ना, 31 दिसंबर, एज एट 31 दिसंबर 2016, तो यहाँ पे भी आप इसको ऐसे बना के आउटस्टैंडिंग सैलरी वो आपका है 32, तो यहाँ पे लिखोगे 32, और पेड इन एडवांस मतलब कि सैलरी प्रीपेड लिख दो या पेड इन एडवांस लिख दो, वो है 24, ठीक है। इस तरह से शो करना था, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आप वैसे टेंशन ले रहे हो, अच्छी तरह प्रैक्टिस करो अच्छी तरह आ जाएंगे, जितने भी आपको इस तरह के टॉपिक दिखाई दे हर एक को सर्च करो, नहीं आता मेरे को बताओ, ठीक है, थैंक यू।